अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा और साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, एक इटालियन हर्ब है। मैंने पहले भी आपको काफ़ी इटालियन हर्ब्स के बारे में, जो मिडिल ईस्टर्न हर्ब्स है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती, ऐसे इलाके मोतदिल जिसे कहते हैं मेडिटेरियन सी के आसपास के जितने भी ममालिक होते हैं वहाँ पे ये जड़ी बूटी पाई जाती है। वेजिटेबल में शुमार होती है। इसे ड्राई फार्म में भी यूज़ किया जाता है और इसे फ्रेश फार्म में भी यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको मंजोराम के जो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ से भरपूर यानी मेडिकली हेल्थ से भरपूर किस्म की ये हमारी हर्ब है। इटालियन जो सीजनिंग है, इटालियन जो स्प्रिंकल या इटालियन जो टॉपिंग के ऊपर खानों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ मिक्स होके, लाइक पार्सले के साथ और रोजमेरी के साथ और गैनो के साथ, इस तरह के जितने भी दूसरे स्पाइस हैं जो वेस्टर्न स्पाइस हैं उनके साथ मिक्स होके इटालियन सीजनिंग का ये अहम पार्ट है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलो दोस्तों इसके फ़ायदे की तरफ आते हैं, बेनिफिट्स की तरफ आते हैं, उसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स चंद एक वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों जो मंजोराम का सबसे पहला फ़ायदा है जी, ये रिड्यूस पेन करता है, यानी दर्दों को बिल्कुल ख़त्म करता है। पेन रिलीफ है, पेन किलर है और जिस्म के किसी भी पार्ट में, हड्डी में, कहीं भी दर्द है, आप इसे इस्तेमाल करेंगे मुनासिब मकदार में तो आपकी जितनी भी है पेन, ये उसे किल कर देगा, पेन को रिड्यूस करेगा और बॉडी को रिलैक्स करेगा, सुकून देगा। और दोस्तों इसका जो दूसरा फ़ायदा करें या एडवांटेज कहने तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा सेक्स डिज़ायर रहते हैं वो अगर इसे इस्तेमाल करें तो उनकी जो सेक्स डिज़ायर है यानी जिनसी ख्वाहिशात है वो थोड़े लेवल पे रहती है, सतह पे रहती है। जिनसी अगर हिजान उनके अंदर है तो इसे इस्तेमाल करें तो उनका जो ये प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाएगा। तो ऐसे लोग दोस्तों जिन्हें इन्फेक्शन है मुख्तलिफ किस्म की बॉडी के अंदर, सूजन है, मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे निकलते हैं और स्किन उनकी ख़राब रहती है, तो इंटरनल और जो बिरूनी जितनी भी इन्फेक्शन है उसके अंदर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक दवाई के तौर पे काम करता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें डिप्रेशन रहती है, टेंशन रहती है, तनाव रहता है, उन्हें सुकून नहीं होता, तो अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी बॉडी जो दिमागी स्ट्रेस, बॉडी का जो दबाव है, ज़हनी दबाव आपका, बॉडी का जितने भी आपके मुख्य किस्म की रिएक्शन है उसे सतह पर लाता है और दिमाग को सुकून देता है, यानी डिप्रेशन को दूर करता है ये बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग जिन्हें खाना अच्छे तरीके से हज़म नहीं होता, अगर वो मंजोराम को अपने खाने में इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी जो है मैदे में उन्हें फ़ायदा होगा, यानी मैदा उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, खाना हज़म होने में बहुत सहूलत हो जाएगी आप उन्हें। और ऐसे लोग दोस्तों जो क्रॉनिकल डिजीज़ यानी गले के सांस की प्रॉब्लम में शिकार है, तो अगर वो इस्तेमाल करें तो उनकी जो खांसी वगैरह है दूर हो जाएगी, इससे सांस की नाली साफ हो जाएगी और गले के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और दोस्तों ऐसे जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिन्हें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, या अगर कुछ अभी इन्होंने सबक याद किया होता है तो कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद या एक दिन के बाद भूल जाते हैं और इन्हें भूलने की बीमारी हो, तो ये मेमोरी को बूस्ट करता है, मेमोरी को बहुत अच्छा कर देता है, दिमाग को ताकतवर बनाता है। और ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, ये इसे लेवल पे लेकर आता है और एक सतह पे रखता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंटीसेप्टिक जो एक खूसियत रखता है, वायरल जितने भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनसे ये बचाता है, तो बहुत अच्छा ये एंटीसेप्टिक है। और दोस्तों इसके नेक्स्ट फ़ायदे की तरफ आते हैं, ऐसे लोग जिनकी शरियाने तंग हो चुकी हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो यानी बढ़ चुका है, तो उनकी जो चर्बी जम चुकी है शरियानों के अंदर, तो अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, ऐसा ऐसा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उनका जो लेवल पर आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, इसमें जो है ब्लड फ्लो करेगा। तो इसे आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, एक चुटकी से दो चुटकी सीजनिंग कर लें खानों के ऊपर, या रोटी में मिला के खा लें, आटे में मिला के खा लें, दही में, रायते में, किसी भी चीज़ में मिला के खा सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सर्दी लगी हुई है, सर्दी लग के बुखार है या इन्हें सर्दी लग रही है, तो वो इसे इस्तेमाल करें तो इससे उनका जिस्म भी गर्म हो जाएगा, उनके बुखार वगैरह भी उतर जाते हैं, इस वजह से ये सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। और ऐसे लोग जिन्हें सांस की बीमारी है, सांस की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पीछे बताया कि कफ़ के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे लोग जिन्हें यानी दम है, जैसे मैं बता रहा हूँ सांस की बीमारी है, दम है जिन्हें,
तो वो इसे इस्तेमाल करें तो उनके जो ऐसा ऐसा दमा ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद जो है उसमें है। और दोस्तों चलिए अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरह। इसके साइड इफेक्ट्स चंद एक है दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें मिर्गी है इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इसे बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल मत करें वो, तो इससे आप उनका मर्ज बढ़ सकता है। और दूसरा अगर उन्हें एलर्जी है, रिएक्शन है, स्नीजिंग रिएक्शन है या जिस्म के ऊपर दाग धब्बे जो है धधर निकल आती है जिसमें बहुत तेज़ ख़ारिश होती है, और तभी होती है जब ये आप इस हर्ब को ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम मकदार में इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसे आपको ये फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगा। तो इस वजह से इसे भी बहुत आप जो है मुनासिब मकदार में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है नुकसान देती है, तो इस वजह से आप इसे मुनासिब मकदार में ही इस्तेमाल करें। चलें दोस्तों, ये तो थे चंद एक इनके साइड इफ़ेक्ट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मंजोराम के जो हमारी मंजोराम हर्ब है, इटालियन हर्ब है, इटालियन स्पाइस है, आपको ये पसंद आया होगा। इसकी बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपको पूरा पूरा गाइड करूँगा, बहुत अच्छे तरीके के साथ गाइड करूँगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करके लाजमी जाना है और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।